हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शिवानी स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फैशन डिज़ाइनिंग एंड क्राफ्ट डिज़ाइनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो पिछले मैं 3 साल के पेपर को अपलोड करूँगी। ये आपका 2023 का पेपर है, 2022 और 21 के, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे MCQs अपलोड किए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूँगी। और अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुआ है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएगा। इसका मैं PDF और जितने भी क्लासेस हैं फैशन डिज़ाइनिंग के PDF वहीं पर मैं शेयर कर दूंगी। तो आपने ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुआ तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये आपका एक माइनर पेपर है जो कि इसमें भी आपको पास होना ज़रूरी है। यहाँ पे आपका अगर आप 33 नंबर यहाँ पर पास नहीं होते हो तो फिर से आपको पेपर देना पड़ेगा। तो कोशिश यही करना है कि टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और 100 में से यहाँ पर 33 मार्क्स यहाँ पर पासिंग है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। काफ़ी बच्चे इस पेपर को, माइनर को, हल्के में लेते हैं और बहुत सारे बच्चे इसका फिर से फॉर्म भरते हैं और फिर से उन लोग को फिर से डबल तैयारी करनी पड़ती है। तो ये भी पेपर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आपका मेजर है, क्योंकि इस पेपर में भी आपको पास होने की ज़रूरत है। और इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड की हैं, आप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम से मैं सारी वीडियोज़ वहाँ पर आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। और इसके अलावा और कोई भी आपका माइनर पेपर है तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं सारी PYQ एक्सपेक्टेड MCQ अपलोड कर दूंगी। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, पेपर कोड है आपका AEDU 100, फैशन डिज़ाइनिंग एंड क्राफ्ट डिज़ाइनिंग। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम ऑफ ढाका इज मेड अप ऑफ। ढाका का मलमल निर्मित होता है कॉटन से, सिल्क से, लिनन से कि नायलॉन से। तो पहले को ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉटन। सिर्फ जल्दी जल्दी आंसर्स को देखते चलेंगे। नेक्स्ट, कोकून का ये किससे रिलेटेड है, कैमल से, गोट से, सीप से कि सिल्क से। तो जो कोकून है बेसिकली ये रिलेटेड किससे है, सिल्क से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, सेकंड का हो जाएगा डी। थर्ड है, बॉम्बू एंड वुड पल्प इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच फाइबर, रेयन है, नेलॉन, सिल्क की नन ऑफ दी। तो थर्ड को ऑप्शन नंबर ए, रेयन। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिनन इज ऑब्टेन फ्रॉम, लिनन प्राप्त होता है फ्लेक्स प्लांट, कॉटन प्लांट, जूट प्लांट, नन ऑफ दी। तो किससे ये प्राप्त होता है, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए, फ्लेक्स प्लांट, फ्लेक्स पौधे से। क्वेश्चन नंबर 5th है, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर, इसमें से प्राकृतिक रेशे के उदाहरण नहीं है, ऊल है, कॉटन है, सिल्क है, निलॉन है। तो कौन सा नहीं है पूछा है, डी, निलॉन नहीं है और बाकी के हैं। 6th है, ड्राफ्टिंग किससे रिलेटेड है, पेंटिंग से रिलेटेड है, स्विंग ऑफ क्लॉथ से, कटिंग ऑफ क्लॉथ से कि नन ऑफ दी। तो ड्राफ्टिंग बेसिकली ये किस चीज़ से रिलेटेड है, आपका कटिंग ऑफ द क्लॉथ से, कपड़े की कटिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलर ऑफ रेनबो। तो रेनबो का कलर अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, वॉलेट होता है येलो रेड, लेकिन यहाँ पर ब्राउन नहीं होता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल 7 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिक्सचर ऑफ 2 प्राइमरी कलर, दो यहाँ पर प्राथमिक रंगों का जो मिश्रण होता है उसे हम प्राइमरी कलर बोलते हैं, सेकेंडरी, टर्शरी की ननौती। तो 8th का ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कलर। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट काइंड ऑफ कलर्स फॉर्म्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शरी की ननौती। तो बेसिकली यहाँ पर क्या कहा जाता है, सी, दैट इज टर्शरी, जिसे हम तृतीय रंग भी कहते हैं। 10th है, ड्यू टू कोल्ड कलर्स, यहाँ पर ठंडे रंगों के प्रयोग से शरीर कैसा दिखाई देता है, लॉन्ग, शॉर्ट, थिन की फिट। तो यहाँ पर कैसा दिखाई देता है, दैट इज बी, शॉर्ट। 11th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ क्लॉथ कटिंग, कपड़े कटिंग का सिद्धांत नहीं है, ड्राफ्टिंग, मेजरिंग, स्विंग की, वीपिंग की, मार्किंग। ठीक है, सारे आपके जितने भी माइनर हैं वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है, एग्जाम से पहले। तो परेशान नहीं होना है, और बहुत सारी वीडियोस चैनल पर भी अपलोड हैं, उसको आप अगर कवर कर लेते हैं तो ईजिली यहाँ पर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल फाइबर, कौन सा है, रेशियन, सिल्क, जूट, ऑल ऑफ दी, कौन सा रासायनिक रेशा है, तो यहाँ पर कौन सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रेजिन। 13 है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इंटैक्ट एंड फोम क्लर्निंग ऑन सिल्क क्लॉथ, रेशमी वस्त्रों का रंग पक्के चढ़ने के निम्न कारण है, एसिडिक है, बेट है, बेसिक है, नन ऑफ दी। तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिडिक। 14 है, हु इन्वेंटेड द मशीन यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर, रॉबर्ट हुक है, सनबेस है, लुइस श्वा है, नन ऑफ दी। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी।
ठीक है। फिफ्टीन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ वीविंग, निम्न में से बुनाई का प्रकार है। तो कौन कौन से इसमें से अगर हम प्रकार देखें तो सिंपल वीविंग ही है, ट्वेल्व वीविंग भी, सेटिंग, तो डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सारे क्या हैं वीविंग के फॉर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच टाइप ऑफ यान इज अ मल्टी स्ट्रांड यान, सिंपल यान, नोवेल्टी यान, मिक्सड की ऑल ऑफ द अबव, तो 16 का ऑप्शन नंबर सी मिक्सड यान। 17 है, व्हाट इज टाई एंड डाई, टाई एंड डाई का मतलब क्या होता है, मैथड्स ऑफ क्लॉथ कटिंग, मैथड ऑफ क्लॉथ कलरिंग, कलर करना उसे, क्लॉथ सेविंग, तो टाई एंड डाई सिंपल सा मतलब है क्लॉथ को कलर करना, कपड़े रंगने की विधि को हम क्या बोलते हैं, टाई एंड डाई। 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सुइंग मशीन, इसमें से सिलाई मशीन का पार्ट नहीं है, निडल है, बॉबिन है, बॉबिन फेश है, कपड़ा है, तो पूछा यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो डी नहीं है, जबकि सुई, बॉबिन, बॉबिन क्लेस ये सारी चीज़ें हैं। 19 है, विच वन इज़ नॉट ए प्राइमरी कलर, इसमें से प्राथमिक रंग नहीं है, तो ग्रीन, ब्लू, येलो की रेड, तो कौन सा नहीं है, ग्रीन। 20 है, विच वन इज़ नॉट अ सेकेंडरी कलर, कौन सा नहीं है, वॉयलेट है, ग्रीन है, ऑरेंज है, येलो, तो द्वितीय रंग नहीं है, तो यहाँ पर बात करेंगे डी, येलो नहीं है, लेकिन बाकी के हैं वॉयलेट, ग्रीन एंड ऑरेंज। 21 है, विच इज़ नॉट अ नेचुरल फाइबर, नहीं है, तो कॉटन है, सिल्क है, जूट है कि स्टेपल है, तो प्राकृतिक रेशा नहीं है, यहाँ पर अगर बात करें तो डी, स्टेपल नहीं है। 22 है, यहाँ पर सेकेंडरी कलर इज, द्वितीय रंग कौन सा है इसमें से, तो ब्लू, रेड, ग्रीन की येलो, तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन। 23 है, प्राइमरी कलर इसमें से कौन सा है, रेड, ब्लू, येलो की ऑल ऑफ दी वर्ब, तो प्राइमरी कलर की अगर बात करें तो दैट इज़ डी, ऑल ऑफ दी वर्ब, सारे इसमें से प्राइमरी कलर हैं रेड, ब्लू एंड येलो। 24 है, विच कलर रिप्रेजेंट द सेकेंड फ्रॉम द बॉटम इन रेनबो स्पेक्ट्रम, ऑरेंज है, रेड है, इंडिगो है, येलो है, तो 24 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑरेंज। 25 है, कितने कलर्स होते हैं रेनबो में, तो 9, 8, 7 की 6, तो कितने होते हैं, 6, 7 कलर होते हैं, ठीक है, सी। 26 है, विच सीजर इज यूज फॉर एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई करते हैं तो किस प्रकार की कैंची का उपयोग किया जाता है, बटन होल सीजर है, डेकोरेटिव सीजर है, सीजर है कि नन ऑफ दी अबव है, तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव। 27 है, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ अ गुड पर्सनैलिटी, लाइवलीनेस, काइंडनेस, इग्नोरेंस, ऑनेस्टी, तो यहाँ पर अज्ञानता जो है वो आपका एक तरह का क्या है, नहीं है पर्सनैलिटी की अच्छी विशेषता। 28 है, विच टाइप ऑफ स्टिच इज इम्पॉर्टेंट इन स्लीपरी क्लॉथ ड्यूरिंग सीविंग, सिलाई करते समय खिसकने वाले कपड़े पर किस प्रकार का टाका उपयोगी होता है, टेलर स्टिच, क्रूप्ड स्टिच, सिमिलर की अनसिमिलर, तो कौन से यूज होता है, 28 का ऑप्शन नंबर डी, अन सिमिलर, असमान टाका। 29 है, स्टाइल इज एन अमेंडेड फॉर्म ऑफ विच वन, स्टाइल निम्न में से किसका संशोधित रूप है, फैशन ट्रेंड, फेड, फैशन की नन ऑफ दी अबव, तो 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैट इज सी, फैशन। 30 है, विच वन इज अ कंप्यूटराइज्ड कटिंग मशीन, निम्न में से कंप्यूटराइज्ड जो है यहाँ पर कटिंग मशीन कौन सी है, तो वाटर जेट यहाँ पर कटिंग मशीन है, तो 30 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ एन बी। 31 है, विच मटेरियल इज यूजफुल इन फैशन डिजाइनिंग, सीजर है, मेजरिंग टेप, चौक की ऑल ऑफ दी अबव, तो कौन सी फैशन डिजाइनिंग किंतु वस्तु उपयोगिता होती हैं, तो 31 का डी, सारी की चीज़ें। 32 है, प्रोडक्शन ऑफ जूट जो होता है मैक्सिमम होता है किसमें, अमेरिका, इंडिया, चाइना की, बांग्लादेश, तो 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, दैट इज बी, इंडिया। 33 है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट एंड लाइटेस्ट अमंग नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा और हल्का होता है, ऊल, सिल्क, लिनन की, कॉटन, तो 33 का हो जाएगा बी, दैट इज सिल्क। 34 है, यहाँ पर ग्रीन कलर इज अ मिक्सचर ऑफ विच टू कलर, ब्लू येलो, रेड ग्रीन, ग्रीन येलो की ब्लैक येलो, तो ग्रीन कलर किस चीज़ का मिक्सचर होता है दो कलर का, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ब्लू एंड येलो। 35 एन इम्पॉर्टेंट मटेरियल फॉर क्लॉथ कटिंग, टेलर, चौक, पेन, इन की नन होती हो, तो 35 को ऑप्शन नंबर ए, टेलर, चौक। 36 है, व्हाट इज़ मेड फ्रॉम शीप हेयर, भेड़ से प्राप्त बाल से निर्मित किया जाता है, क्या होता है उससे, सिल्क, ऊल, रेयन की नन होती हो, तो 36 का ऑप्शन नंबर बी। 37 है, मेन सोर्स ऑफ रेयन फाइबर इज,
हाँ, तो अगर आपके लिए सेशन इंपॉर्टेंट है प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुआ तो ज्वाइन हो जाएगा। जितने भी आपके माइनर कोर्स हैं उससे रिलेटेड सारी वीडियोस एमसीक्यू पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगी उसी पर, और वीडियोस भी, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए 37 है मेन सोर्स ऑफ रेयॉन फाइबर, सेलुलोज नॉन सेलुलोज पॉलीमर नॉन पॉलीमर, तो 37 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज। 38 है इन विच ईयर वॉज द मशीन इन्वेंटेड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर, तो किस ईयर, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 1842। 39 है विच कलर हैज़ द मैक्सिमम कोल्डनेस, रेड हो गया ऑरेंज ब्लू की ब्लैक, तो दैट इज सी ब्लू। 40 है ऊल इज ओबटेन फ्रॉम द हेयर्स ऑफ विच एनिमल, ऊन किस जानवर के बालों से निर्मित होता है, लॉयन के स्क्वेरल कैमल की शीप, तो दैट इज 40 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शीप भेड़ की। 41 है विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल कलर, इसमें से एग्जाम्पल नहीं है, ऑक्री है फिर वाइट चौक है लाइम है कोबोल्ट है, तो 41 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोबोल्ट। 42 है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वार्म कलर, मोस्ट वार्म कलर कौन सा है, ऑरेंज हो गया ग्रीन हो गया ब्लैक की ब्लू, तो 42 का ऑप्शन ए दैट इज ऑरेंज। 43 है विच इज़ नॉट एन एनिमल फाइबर, नहीं है, सिल्क हो गया ऊल है कॉटन है नन ऑफ दी अबव, कौन सा नहीं है, दैट इज डी नन ऑफ दी अबव। सिल्क इज ओबटेन फ्रॉम, जो सिल्क है रेशम किससे निर्मित होता है, स्क्वेरल से सिल्क वॉर्म सीप की कोट, तो 44 का ऑप्शन नंबर बी। 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल पर्सनैलिटी, व्यक्ति के व्यक्तिगत के विकास में सहायक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, टीचिंग पेंटिंग ट्रेड कॉमर्स की राइटिंग, तो 45 का ऑप्शन नंबर सी ट्रेड एंड कॉमर्स, और बाकी चीज़ें यहाँ पर हैं। 46 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइनर इज नोन एज द इंडियन स्टाइल गुरु, तरुण ऋतु कुमार रोहित मेहुल सुनीत कुमार, तो सुनीत वर्मा को यहाँ पर क्या कहा जाता है, इंडियन स्टाइल गुरु, ठीक है। चलो 47 मैथड ऑफ ब्रिंगिंग लूजनेस इन क्लॉथ्स इज कॉल्ड, कपड़ों में ढीलापन डालने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, यहाँ पर ड्राफ्ट इज लेआउट की पैटर्न मेकिंग, तो क्या कहा जाता है यहाँ पर अगर हम बात करें, तो 47 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज। 48 है वेफल क्नीटिंग इज नोन एज क्नीटिंग वार्प क्नीटिंग फिल्टिंग फिल्टिंग नीटिंग, तो क्या कहा जाता है, डी फिलिंग नीटिंग। 49 है वट इज़ द टर्म यूज फॉर मेकिंग थ्रेड लूप्स फॉर क्लॉथ मेकिंग, तो जिकिंग है निटिंग है बुनाई है, तो 49 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आर्टिफिशियल यान बिगेन टू बी प्रोड्यूस इन इंडिया इज 1850 1950 1870 की 1970, तो 50 का बी ऑप्शन 1950। तो ये आपके टोटल 50 एमसीक्यू थे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। ऐसे ही हम लोग बाकी के और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जितने भी बच्चे ये पेपर देने जा रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ।